आप में से जो भी टाटा प्ले डीटीएच यूज करते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि बहुत ही अच्छी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टाटा प्ले बिंज ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बिल्कुल अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ओटीटी रिलेटेड अगर आप ओटीटी लवर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल लोकसाज गाइड पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप जो है टाटा प्ले नॉन यूजर्स हैं, यानी कि टाटा प्ले डीटीएच सर्विस का यूज़ नहीं करते, तो भी आप जो है टाटा प्ले बिंज ओटीटी सर्विस का मज़ा ले सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। जी हाँ, अब जो है टाटा प्ले बिंज की जो सर्विस है, टाटा प्ले बिंज मोबाइल ऐप जो है, सभी यूजर्स जो कि टाटा प्ले डीटीएच सर्विस अपने घर में यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए भी जो है अब एप्लीकेबल होने वाला है। वो भी जो है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म का मज़ा ले सकते हैं। आपको टाटा प्ले बिंज पर 17 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं फिलहाल के लिए। ओटीटी एप्स की बात करें तो आपको जो है टाटा प्ले बिंज के प्लेटफॉर्म पर Zee5, वूड सेलेक्ट, सोनी लिव, MX प्लेयर, होई छोई, क्यूरोसिटी स्ट्रीम, इपिकॉन, डॉक्यूबाई, ये सारी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, शमारूमी और हंगामा प्ले जैसे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाते हैं टाटा प्ले बिंज पर 17 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सिर्फ नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम जो है आपको इस सर्विस में इंक्लूड नहीं होता, ये सिर्फ टाटा प्ले यूजर्स के लिए है। बाकी सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाते हैं, सारे कंटेंट आपको टाटा प्ले बिंज पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास टाटा प्ले डीटीएच नहीं है तो भी आप जो है इस मोबाइल ऐप से जो है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। सबसे लोवेस्ट पैक की बात करें तो ₹59 पर मंथ के हिसाब से आपको जो है टाटा प्ले बिंज का जो है पैक स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। आप इसमें कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।